वेलकम टू आरपीएस कंप्यूटर एजुकेशन। मैं हूं शुभांकर वर्मा। आज आपको आपके सामने ये जो देख रहे हैं आपके डैशबोर्ड पे दिखाई पर आपके स्क्रीन पर हॉस्पिटल बिलिंग या पेशेंट बिलिंग स्टेटमेंट, तो ये जो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, जहां आपको हॉस्पिटल में अगर जॉब लगती है तो आपको करना क्या है कि इस टाइप का आपको चार्ट बना लेनी है, डिज़ाइन इस टाइप का, सीरियल नंबर, पेशेंट नेम, पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम या डिपार्टमेंट नेम, वार्ड नेम, ये सारा कुछ आपको फिल कर लेना है। तो फिल करने के बाद देखिए यहाँ क्या करना है, इसे सीरियल नंबर खींचना, तो इसे साइड डायरेक्ट इसको ये करके यहाँ से फिल सीरीज कर देना है। जैसे आपने फिल सीरीज किया, इसके भी अंदर वही काम करना है, इसको डायरेक्टली ऐसे खींच के और यहाँ भी फिल सीरीज कर लेना है, ठीक है, या तो ऑटोमेटिक होगी। अब सूरज कुमार है तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आदमी का नेम होंगे, तो आप टाइप भर लेंगे इसमें। तो यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट का सिंबल देना है। तो जैसे आपने ब्रैकेट का सिंबल दिया, आपको करना क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट के सिंबल के बाद इस जगह इसको क्लिक करना है, या तो आप ब्रैकेट देके भी आप बना सकते हो। ब्रैकेट इसको क्लिक किया, फिर उसके बाद माइनस, फिर ये जो एडमिट डेट है उसको, ठीक है, फिर ब्रैकेट और प्लस वन, ठीक है, एक दिन प्लस वन होगा, या तो आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, किसी कहीं कहीं वन देना होता, तो ये आपका ये इंटरप्रेस कर देना है। तो आप ये देखिए 8 दिन क्यों हुआ, क्योंकि 15 को तो एडमिट हुआ, 15 से एडमिट होकर के 22 को निकला, ठीक है, तो 8 दिन हो गया। अब वार्ड चार्जेस का भी निकालेंगे, तो इसी टाइप से हम सबका आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, तो अब क्या करना है, ये सब डालने के बाद जैसे डेट को आप क्या करो, यहाँ से इसको स्क्रॉल कर लो, ठीक है, सारे डेट आपका ये हो गया। अब करनी क्या है आपको कि इनका सभी का निकालना है आपको डेट में, तो सभी का इस टाइप से डेट अपना आप डिफरेंट डिफरेंट आप टाइप कर सकते हो, ये तो मैं आपको एक डेमो बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला जो मैंने दे रखा है, ठीक है, तो ये फार्मूला को आप ये से खींच लो, ठीक है, सभी का 8 दिन आ गया। तो कहने का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट डेट दोगे तो फिर डिफरेंट आएगा ना। तो यहाँ पे जैसे 17 है, तो यहाँ पे कुछ और रख लेता हूँ मैं, यहाँ पे 20 रख लेता हूँ, तो देखो ये डेट आ चुका है, ठीक है। तो मान लेते हैं इनको भी कुछ चेंज कर लेते हैं, इनको भी, या इसके बाद 20 दे दिया, तो ये 20 दिसंबर से लेकर के 24, ये 5 डेज, क्योंकि 20 को तो एडमिट हुआ, उनका भी तो ये उनको चार्ज लगेंगे ना, बेड चार्ज, तो ठीक है। तो उसके बाद जो इसी टाइप से हम लोग वार्ड चार्ज भी निकालते हैं, देख लेते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे क्या करना है कि वार्ड चार्जेस का कुछ हम लोग दे देते हैं, जैसे 500 मैंने दे दिया, ठीक है, और डॉक्टर का फीस भी कुछ विजिट 600 कर देता हूँ, ठीक है। तो कितने दिन विजिट किया वो भी देना है, 2 दिन विजिट किया, 1-2 दिन क्या दिन, इस टाइप से, ठीक है। तो उसके बाद यह क्या करना है, इसमें सारे में फिल कर देना है। अब क्या करनी है इसको, अब तो यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है, तो डॉक्टर विजिट कितना दिन किया है तो वो भी देख लेते हैं, जैसे कि कोई 1 दिन किया, कोई 2 दिन किया, तो आप यहाँ पर जितना दिन किया हुआ है उसका ये लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये रखा, तो इस टाइप से फिल कर दो, जब इंट्री जितना दिन आया तो वो तो इंट्री करना होगा आपको, ठीक है, अगर 2 दिन तक है 2 दिन तक करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इक्वल का साइन देना है, ब्रैकेट बोर्ड मास आप लोग पढ़े हैं ना, ब्रैकेट का स्टार्ट करनी है। अब क्या करना है इसमें, वार्ड चार्जेज, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देता हूँ डॉक्टर का फी, नहीं डॉक्टर का फी नहीं करना है। तो यहाँ आपने देखा कि ये क्या कर रहा है कि वार्ड चार्जेस, वार्ड में अब कितना दिन रहा है तो वो देख लेना है, ये चार्जेस हो गया। अब ब्रैकेट दे रहा है, अब प्लस का साइन देना है, ठीक है। तो प्लस के साइन के बाद क्या करना है कि अब डॉक्टर का जो फी है बचा, ठीक है, प्लस ये विजिट चार्जेस,
तो आपने देखा कि मैंने क्या किया है। इसका देखिए फार्मूला क्या है कि आप यहाँ देख लो, ये मैंने फार्मूला पुट किया। कहने का मतलब है कि ये जो है फार्मूला, इक्वल का साइन देना है और नंबर यहाँ पे मैंने क्या लिया है, वार्ड, वार्ड चार्जेस, ठीक है। तो वार्ड चार्जेस का ये है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई मैंने किया नंबर ऑफ डेज से, ये जो नंबर ऑफ डेज है जितने दिन रहेंगे, ठीक है। अब क्या करना है इसी जगह, तो इसमें क्या करना है, फिर प्लस का साइन देना है, ठीक है। प्लस का साइन देने के बाद ये जो डॉक्टर की जो विजिट फी है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। उनके बाद फिर से मल्टीप्लाई का साइन देना है। मल्टीप्लाई साइन के बाद डॉक्टर के जो चार्जेस होती हैं दोबारा जो आता है 28 दिन के बाद, 20 डेज के बाद, या जितना 15-15 डेज के बाद, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इंटर प्रेस करना। अब जो भी चार्जेस हैं सभी का यहाँ पे इनको स्क्रॉल कर देते हैं, ठीक है। अब देख लो यहाँ से खींचे, सभी का निकल चुका है। तो आपको करना क्या है, इसी टाइप से सभी में वर्क करना है, ठीक है। तो आपने ये फार्मूला देख लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि क्या करना है, कि नंबर यहाँ जो हमने विजिट किया, ये सारे फार्मूला आप देख सकते हैं कैसे कैसे मैंने किया। यहाँ पे भी फार्मूला दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपके, इस पे देखिए फार्मूला देख लिया आपने फिर से, और नंबर ऑफ डेज मैंने कैसे निकाला है वो भी देख लिया जाए कि ये मैंने कैसे किया है, ठीक है। तो इसी टाइप से आप नंबर ऑफ डेज और यहाँ पे टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।